नमस्कार, स्वागत है एजुकेशन सिस्टम बिहार यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। इससे पहले हम लोग पॉइंट को देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। सबसे पहला बिंदु है कि जाने कैसे बिना पीजी डिग्री का बीएससी सीएसआईटी योग्य होंगे, मान्य होंगे, ये दिया गया है। कंडीशन जरूर देखें, इसके लिए हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर यह बीई बीटेक सीएसआईटी इक्विवेलेंट क्या है, इसको भी आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ये सभी कमेंट में पूछा गया है, तो आज के वीडियो में कमेंट से भी रूबरू कराने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्या बीटेक ईसी आईएन ईई इक्विवेलेंट है या नहीं बीटेक सीएसआईटी के, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आज के वीडियो में देखने वाले हैं। क्या केवल रेगुलर डिग्री ही मान्य होंगे, ये भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद ये क्वेश्चन कि क्या बीसीए प्लस एमबीए मान्य है, योग्य है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। क्या बीसीए के बाद फिर बीएससी एंड एमएससी कर लिया, कोई बीसीए भी किया साथ साथ ये दोनों भी कर लिया, तो क्या ये योग्य होंगे, या फिर बीसीए के बाद एमए और एमए कर लिया बीए एमए, तो ये क्या योग्य होंगे, ये भी आज के वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि साथ ही कैंडिडेट्स के कमेंट भी देखेंगे, वही बात हम बता दिए हैं, सभी कैंडिडेट जितने भी कमेंट किए हैं उसको भी देखने वाले हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को सारांश में समझेंगे आज के वीडियो में देखेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये है आपको विज्ञापन तो होगा ही, तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर का, इसको इसलिए समरी के माध्यम समझने वाले हैं, समरी देखने वाले हैं सारांश में। तो इससे पहले आप लोग नौ का गौर देख लें, इसमें बता दिया गया है कि बिना बीएड का ही योग्य होंगे, कंप्यूटर साइंस के टीचर बन सकते हैं बिना बीएड का, वही बात है गौ में, और कुछ खास है नहीं, आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन को सारांश के माध्यम से भी जानेंगे, वही बात है देखेंगे आज। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस टीचर अब देख लेते हैं, ए लेवल है, बी लेवल है और सी लेवल है, ये तीन लेवल हैं। और ए और बी लेवल के लिए आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड कंडीशन है कि पीजी डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए। साथ ही साथ आप तीन में देख सकते हैं सी लेवल हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो आपको सी लेवल तो चल सकता है, वही बात है, मतलब सी लेवल प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब फोर पॉइंट की बात करें तो दिया गया है बीई बीटेक सीएसआईटी दिया गया है, मतलब कोई मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपको, या फिर बी बीटेक के समतुल्य डिग्री होना चाहिए, तो समतुल्य यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस पर आज के वीडियो में बात करेंगे आगे, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। तो बीई बीटेक एनी दिया गया है, कोई भी ब्रांच से होना चाहिए, मतलब सीएसआईटी को छोड़कर कोई भी ब्रांच हो जाएगा इस समय, एनी ब्रांच का मतलब यही हुआ, क्योंकि सीएसआईटी ऊपर में लिखा है, तो पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, ये सभी आप लोग जानते भी होंगे, पीजी डिप्लोमा ये सभी होना चाहिए। उसके बाद एमएससी और एमसीए के लिए कोई संदेह की स्थिति है ही नहीं, ये सभी होना चाहिए, एमसीए एमएससी एमसीए तीन साल का भी वैलिड है, मान्य है, अब तो वही योग्य है। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि 8 पॉइंट में तो बीएससी सीएस बीसीए और इक्विवेलेंट प्लस में पीजी डिग्री होना चाहिए, मतलब बीएससी कर लिए और या फिर बीसीए कर लिए, या फिर इसका इक्विवेलेंट बता ही देते हैं, बीएससी सीएस का इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, मतलब बीएससी का तीन साल का डिग्री होता है सीएस का, तो इसके इक्विवेलेंट क्या होगा, तीन साल वाला डिग्री होगा, तो तीन साल वाला डिग्री जैसे बीएससी आईटी है, तो ये इक्विवेलेंट में आ जाएंगे, प्लस में पीजी डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, और किसी भी सब्जेक्ट से आप पीजी डिग्री हैं तो आप योग्य होंगे। पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर, पीजी डिप्लोमा होना चाहिए प्लस में पीजी डिग्री होना चाहिए, ये भी योग्य होंगे, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको पीजी डिग्री होना चाहिए या फिर पीजी डिप्लोमा, ये सभी होना चाहिए, वही बात है। तो आप यही देखने वाले हैं, जाने कैसे बिना पीजी डिग्री का बीएससी सीएसआईटी योग्य हैं, यही देखने वाले हैं। तो आपको पॉइंट नंबर इससे पहले दिखा देते हैं, पॉइंट नंबर फोर क्या कहता है, तो फोर यही कहता है कि बीई बीटेक सीएसआईटी फ्रॉम एनी दिया गया है, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होना चाहिए।
तो वही बात है, CSIT कितने साल का कोर्स है? तो 4 साल का, 4 ईयर्स कोर्स है, और फुल IT या फिर CS कोर्स है, मतलब कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यही कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो 4 साल का कोर्स होगा वह इक्विवेलेंट होगा, या नहीं बिल्कुल होगा, वो इक्विवेलेंट डिग्री होगा। वही बात है, तो आज से तो बताने वाले हैं वही बात। आज से 15 साल पहले बहुत सुनने में आता था कि BSc इंजीनियरिंग, और BSc इंजीनियरिंग में CSIT भी ब्रांच होता है, तो वही 4 साल का कोर्स हो गया। तो वे BSc IT जो हैं, BSc CSIT, तो ये सभी योग्य होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इक्विवेलेंट डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पर भी 4 पॉइंट में। तो वही 4 साल का वही डिग्री, यही कंडीशन था कि यदि आपका डिग्री 4 साल का हो CSIT में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, तो आप योग्य होंगे। और यदि आपका डिग्री 3 साल का हो, तो आगे दिखाने वाले हैं, 3 साल का हो तो आपको PG डिग्री होना चाहिए CSIT में, यदि 3 साल का है। वही BSc CSIT BCA यही सब में 3 साल का होता है, इसलिए PG डिग्री 8 पॉइंट देख सकते हैं होना चाहिए। तो वही पूछा जा रहा है इसमें, BSc IT से क्वालिफाइड है, जॉब होगा या नहीं होगा? तो आपके ईयर पर डिपेंड करेगा, यदि 4 साल का डिग्री है तो आप इक्विवेलेंट हो जाएंगे BE BTEC के। यदि CSIT से ही है आपका, तो IT लिखा है तो IT से है, तो आप हो जाएंगे इक्विवेलेंट डिग्री में। यदि आपका 3 साल का है तो PG डिग्री होना चाहिए। यही निकला सारांश। इसमें फिर एक क्वेश्चन वही बात पूछा गया है कि 88 मार्क्स लाया है, क्वालिफाइड है, और BSc IT डिग्री है, और PG डिग्री नहीं किया हुआ है, क्या सिलेक्शन होगा, चयन हो पाएगा? यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पहले ही बता दिए हैं कि ये क्वेश्चन 1 सप्ताह पहले का है, आप समझ सकते हैं। तो इसमें आंसर दिए थे, रिप्लाई यही था कि आप लोग तो CSIT कैंडिडेट्स हैं, बताना ही क्या, आप लोग विज्ञापन को पढ़ें और एजुकेशन क्वालिफिकेशन से मैच कर लें, जानकारी के अनुसार आपकी डिग्री 4 ईयर्स की है तो आप योग्य हैं इक्विवेलेंट होने के कारण, देख सकते हैं इक्विवेलेंट डिग्री लिखा हुआ है। यदि CSIT में 4 साल का डिग्री है तो योग्य हैं, नहीं तो PG डिग्री होना चाहिए। डिटेल्स में जानने के लिए आप लोग देख सकते हैं STT विज्ञापन देख सकते हैं, वही बात है। तो इसका रिप्लाई था, आप देख सकते हैं यही क्वेश्चन था। अब यहाँ पर भी बता दिए हैं कि सारांश यही निकलता है कि यदि CSIT में डिग्री है 4 साल का तो चलेगा, और यदि कोई अदर स्ट्रीम है, मतलब CSIT के अलावा कोई ब्रांच है, तो उसमें PG डिप्लोमा होना चाहिए। इस नोटिफिकेशन से यही बात क्लियर होता है, इस विज्ञापन से। तो एक और है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, पहले कमेंट देख लें पूरा, बहुत लंबा चौड़ा कमेंट है, आप देख सकते हैं नीचे तक वीडियो को पहुंच करके बहुत दूर तक है कमेंट। तो इस कमेंट का सारांश निकाले हैं, सारांश दिखा रहे हैं। सारांश में 2 क्वेश्चन बनता है, 3 क्वेश्चन बनता है। सारांश दिखाए हैं तो यहाँ भी 3 क्वेश्चन बनता है, तो 2 क्वेश्चन देख सकते हैं आप, और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है। तो आखिर यह BBTEC CSIT इक्विवेलेंट क्या है, इस कमेंट को देखने से ये भी पूछा जा रहा है, और क्या BTEC ECIN इक्विवेलेंट है या नहीं BTEC CSIT के, ये 2 क्वेश्चन हैं। तो इससे पहले आप लोग को बता दें, ये जो सेकंड क्वेश्चन था इनका कमेंट के माध्यम से जो क्लियर हुआ था, तो इसका आंसर तो लगभग मिल चुका होगा, क्योंकि BBTEC 4 साल का कोर्स है, और CSIT में यदि 4 साल का जो भी कोर्स हो वो इक्विवेलेंट होगा CSIT ब्रांच के 4 साल का कोर्स। जैसे कि आप देख चुके हैं BSc इंजीनियरिंग पहले होता था, और उसमें BSc इंजीनियरिंग में 4 साल का कोर्स था और CSIT का ही था BSc CSIT, तो ये सभी योग्य हैं, इक्विवेलेंट डिग्री आते हैं। तो आपको ये होगा कि इनका उम्र तो अभी 15 साल में बीत चुका हो, नहीं बिल्कुल नहीं बीतेगा, क्योंकि 37 साल STT का दिया हुआ है, जनरल का और अदर कैटेगरी का इससे भी ज़्यादा है, तो ऐसे में अभी भी ये सभी भी शामिल हुए होंगे, हो सकता है, और ये सभी योग्य भी हो जाएंगे, नोटिफिकेशन यही कहता है।
अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट भी देखेंगे, सेकेंड पॉइंट देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन, देख सकते हैं बी और बी टेक सी एस आई टी और इक्विवेलेंट डिप्लोमा मीन्स व्हाट, क्वेश्चन पूछा गया था बता दिए हैं। इक्विवेलेंट ये भी देख सकते हैं, इक्विवेलेंट डिग्री मीन्स व्हाट पूछा जा रहा है। उसके बाद ये पूछा गया था आपका तीसरा क्वेश्चन, देख सकते हैं अभी तुरंत बताए हैं। तीसरा क्वेश्चन यही था कि देख सकते हैं आई टी की इक्विवेलेंट है या नहीं बी, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बी टेक ई सी आई एन ई इक्विवेलेंट है या नहीं है सी एस आई टी के, यही है तीसरा क्वेश्चन। तो इसके जो कमेंट है बहुत दूर तक है कमेंट, इतना लंबा चौड़ा कमेंट है, इस कमेंट में ही आंसर छिपा हुआ है। यहाँ पर कमेंट है कि आप देख सकते हैं रेड कलर से चिन्हित, तो सेमी आईटी दिया है, तो सेमी आईटी ब्रांच है, तो सेमी है तो इसके फुल होने के लिए पीजी डिग्री होना चाहिए, तो इसी आई एन ई ई सेमी आईटी है तो फुल होने के लिए पीजी डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, इससे यही बात क्लियर होता है। अब उसके बाद इसका इस कमेंट का और भी पॉइंट देखते हैं कि इस पॉइंट में कहा गया कि 5-6 कंप्यूटर कोर सब्जेक्ट ई सी आई एन ई ये सभी पढ़ा होता है कंप्यूटर कोर का, तो ये है कि सी जावा सी प्लस प्लस डाटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर नेटवर्किंग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर ये सभी पढ़े होते हैं। वही बताया गया है कि ई सी ई ई आई एन ये सभी पढ़े होते हैं, तो पढ़े होते हैं तो बात तो सही है पढ़े होते हैं, तो इसमें बड़ी बात क्या है, सी एस आई टी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के 5-6 सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, इसमें बड़ी बात क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेशन सिस्टम ये सभी बात है पढ़े होते हैं, ई टी सी कर दिए हैं, तो दोनों अतः सी एस आई टी और इसी दोनों एक दूसरे के कुछ सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, तो ऐसे में क्या मायने रखता है, तो विज्ञापन, वही बात है, ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड पोस्ट के एडवर्टाइजमेंट में सी एस आई टी योग्य हैं या नहीं ये सभी मेंशन रहता है, उसी तरह सी एस आई टी के पोस्ट में ये सभी योग्य हैं या नहीं है ये सभी मेंशन होता है। इसी के आधार पर मतलब विज्ञापन में सारी बात क्लियर कर दी जाती है, यदि लिख दिया है इसी तो योग्य है, नहीं लिखा है तो वही बात है, इससे तो यही बात क्लियर होता है। अब और थोड़ा देख लेते हैं इस कमेंट को, इस कमेंट में दिया गया है कि मैकेनिकल सिविल प्रोडक्शन एंड सो में नन आईटी ब्रांच आर नॉट एलिजिबल विदाउट पीजीडीसी, मतलब इनका कहना है कि ये सभी ब्रांच मान्य नहीं होगा बिना पीजी डिप्लोमा का, और ये सवाल पूछ रहे हैं, सवाल आप पर छोड़ देते हैं, इस कमेंट से यही सवाल निकलता है कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्या बी टेक ई सी आई एन ई बिना पी जी डिप्लोमा के योग्य है या नहीं, यस या नो में कमेंट करना है, साथ ही साथ आपको अपना तर्क लॉजिक और कारण भी बताना होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे कि क्या बी टेक ई सी आई एन ई बिना पी जी डिप्लोमा डिग्री के योग्य हैं या नहीं, क्योंकि सभी को एक दूसरे के जो भी क्वेश्चन है क्लियर करना चाहिए, जो जानते हैं सो जरूर कमेंट करें, तब आगे के वीडियो में अपडेट करेंगे, आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे, वेट रहेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो आप लोग कमेंट जरूर करें इस क्वेश्चन के लिए। अब बात है कि क्या केवल रेगुलर डिग्री ही मान्य होंगे हरियाणा टीटी के लिए, इसके लिए देख लेते हैं, विज्ञापन देखना जरूरी है हरियाणा टीटी का रेगुलर डिग्री का, जब सवाल आता है तो हरियाणा टीटी में देखते हैं यदि पीजीटी कंप्यूटर साइंस, तो इसमें साफ मेंशन कर दिया गया है कि एमएससी कंप्यूटर साइंस रेगुलर 2 इयर्स कोर्स है, एमएससी में कंप्यूटर साइंस में 2 साल का कोर्स है, उसी तरह एमसीए में भी 3 साल का कोर्स है, ये सभी बी बी टेक कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी में रेगुलर कोर्स हैं, तो ये सभी क्या होंगे, ये सभी दिया गया है इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो आप समझ सकते हैं कि रेगुलर यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, जबकि आप एसटीटी एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे सभी के पास होगा ही, तब आप लोग देखेंगे तो उसमें कहीं पर रेगुलर डिग्री नहीं लिखा हुआ है, तो नोटिफिकेशन में जो है उसी के अनुसार बात करना चाहिए। उसी तरह आप लोग एनबीएस के बीएस का भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ भी देख सकते हैं कि वही है, कहीं भी रेगुलर डिग्री नहीं लिखा है, और ये एसटीटी के तरह ही है, इसका पीजीटी कंप्यूटर साइंस का
एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ खास चेंज है नहीं, एक ही लग रहा है देखने से। अब बात करते हैं पांच, क्या BCA प्लस MBA योग्य हैं? तो इसका जवाब आप समरी का आठवां पॉइंट में देख सकते हैं। 8 पॉइंट दिया गया है, BSc, CS, BCA और इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर इक्विवेलेंट का मतलब हो जाएगा BSc, CS का 3 साल का डिग्री, क्योंकि BCA है तो BSc का भी 3 साल का होता है, BSc, CS भी 3 साल वाला है तो 3 इयर्स का जो है, और BSc, IT भी 3 इयर्स का होता है, तो ये इक्विवेलेंट होगा। प्लस PG डिग्री इन एनी सब्जेक्ट दिया गया है, कोई भी सब्जेक्ट से होना चाहिए, समझ सकते हैं। तो समझ सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट से मान्यता प्राप्त से होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन 6 है, तो इससे MBA का बात क्लियर हो गया है ये 8 पॉइंट से। उसके बाद 6 पॉइंट है कि सिक्स क्वेश्चन तो सिक्स में है कि क्या BCA के बाद फिर BSc, MSc ये सभी कर लें तो योग्य हैं? BCA भी किए हैं और उसके बाद BSc भी कर लिए, उसके बाद MSc भी कर लिए, तो इतना कोर्स किए तो योग्य हैं ये है, तो इसका जवाब आपको 8 पॉइंट से ही क्लियर हो गया। BCA के बाद यदि MA कर लिए, मतलब BA MA ये कर लिए, BCA प्लस BA MA तो योग्य हैं, तो इसका भी जवाब 8 पॉइंट से ही मिल जाएगा। समरी का 8 देख सकते हैं पॉइंट, इसमें बता दिया गया PG डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से हो तो आप योग्य हैं बता दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि आप योग्य हो जाएंगे। तो बात यह उठता है कि कोई BCA के बाद BA MA क्यों करेगा, तो इसका कारण होता है, कारण यह है कि BCA किया उसके बाद कोई SBIPO, IBBSPO ये सभी का तैयारी करने लगा, इस बीच नोटिफिकेशन आ जाता है और SBI का नोटिफिकेशन देखने को मिलता है कि कोई MA कर लिया है तो इकोनॉमिक्स ये इस टाइप का जॉब मिल सकता है, तो कोई MA भी कर लिया है, BA इकोनॉमिक्स, MA इकोनॉमिक्स ऐसे कुछ कोर्स कर लेता है, तो ये सभी अब योग्य हो जाएंगे। और BSc, MSc क्यों करता है, तो किसी को साइंटिस्ट, साइंटिफिक असिस्टेंट ये सभी बनना होता है, मतलब BCA के बाद इसके माइंड में आता है तो कर लेता है ये कोर्स भी, तो ये सभी क्या होंगे, योग्य हो जाएंगे। यहाँ भी वही बात है। अब आगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ साथ आप लोग बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बस इसी वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।